इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, नाउ टाइप 1 हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइप नंबर 2 हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, नाउ टाइप नंबर 3 कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम कौन सा भी यूनिवर्सिटी हो, कन्वोल्यूशन थ्योरम का कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है। कन्वोल्यूशन थ्योरम का क्या होता है, कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है। सो व्हाट इज कन्वोल्यूशन थ्योरम, देखो एल इनवर्स एफ वन ऑफ एस इंटू एफ टू ऑफ एस। नाउ इनवर्स में, इनवर्स के अंदर दो स्टैंडर्ड फंक्शन का प्रोडक्ट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, दो स्टैंडर्ड फंक्शन का प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या बोला, दो स्टैंडर्ड फंक्शन का प्रोडक्ट होना चाहिए। एफ वन ऑफ एस का फंक्शन आएगा एफ वन ऑफ टी, एफ टू ऑफ एस का फंक्शन आएगा एफ टू ऑफ टी। सो ये बनेगा जीरो टू टी एफ वन ऑफ टी माइनस यू एफ टू ऑफ यू डी। समझो कोई बोला मुझे एफ वन में यू लिखना है, एफ टू में टी माइनस यू लिखना है। देखो बाबू ये प्रोडक्ट में है, टू इंटू थ्री लिखे क्या और थ्री इंटू टू लिखे क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एफ वन ऑफ यू इंटू एफ टू ऑफ टी माइनस यू डी यू। सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर कन्वोल्यूशन, कन्वोल्यूशन इज फॉर इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म, दो स्टैंडर्ड फंक्शन का प्रोडक्ट होना चाहिए। बोलो कन्वोल्यूशन में दो स्टैंडर्ड फंक्शन का प्रोडक्ट होना चाहिए, और एक बार बोलो कन्वोल्यूशन में दो स्टैंडर्ड फंक्शन का प्रोडक्ट होना चाहिए। नाउ एक का नाम एफ वन एक का नाम एफ टू, ये इनवर्स में हो, लैपलास में हो, क्या होगा एफ वन ऑफ टी एफ टू ऑफ टी। इंटीग्रेशन हम यू के साथ करने वाले हैं, तो एक का आर्ग्यूमेंट टी माइनस यू ले लो, एक का आर्ग्यूमेंट यू ले लो, चाहे एफ वन में यू ले लो एफ टू में टी माइनस यू ले लो, चाहे एफ वन में टी माइनस यू ले लो एफ टू में यू ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो व्हाट इज दिस, दिस इज कन्वोल्यूशन थ्योरम। सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर कन्वोल्यूशन रे, कन्वोल्यूशन के लिए दो स्टैंडर्ड फंक्शन का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यहां लिख के आता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर वन, दिस इज क्वेश्चन नंबर वन, यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम इवैल्यूएट एल इनवर्स वन अपॉन एस प्लस वन इंटू वन अपॉन एस माइनस नाइन होल स्क्वायर। सो यहां दो स्टैंडर्ड फंक्शन है क्या, यस, इसका फंक्शन निकाल सकते हैं, इसका भी फंक्शन निकाल सकते हैं। तो देखो भाई सॉल्यूशन, लेट एफ वन ऑफ एस इक्वल टू एस प्लस वन, एस में प्लस ई में माइनस, सो एफ वन ऑफ टी आया ई रेस टू माइनस। जनरली एक्सपोनेंशियल दिखाई दिया तो टी माइनस यू ले लेना, एफ वन ऑफ टी माइनस यू इक्वल टू दिस इज माइनस टी प्लस यू, और ये बन गया ई रेस टू माइनस टी ई रेस टू यू। जनरली एक्सपोनेंशियल में टी माइनस यू क्यों लेना, क्योंकि टी एंड यू अलग अलग होता है, हम इंटीग्रेशन जब यू के साथ करते हैं तो टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बोल व्हाट इज
एफ टू ऑफ यस वन अपॉन यस माइनस नाइन होल स्क्वायर एफ टू ऑफ टी. देखो यस में माइनस ई में प्लस. नाउ ये नाइन चला गया ई के पावर में ई रेस टू नाइनटी. एल इनवर्स ऑफ वन बाई एस स्क्वायर क्या आया रे ई रेस टू नाइनटी इंटू टी. सो वी वांट एफ टू ऑफ यू ई रेस टू नाइन यू इंटू यू. सो कन्वोल्यूशन थियरम इज बोलो कन्वोल्यूशन थियरम इज व्हाट इज कन्वोल्यूशन थियरम. एफ वन ऑफ यस एफ टू ऑफ यस इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ वन ऑफ टी माइनस यू एफ टू ऑफ यू डी यू. सो अब क्या करेंगे अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा देते. एल इनवर्स वन अपॉन यस प्लस वन वन अपॉन यस माइनस नाइन होल स्क्वायर इंटीग्रेशन जीरो टू टी ई रेस टू माइनस टी ई रेस टू यू. दूसरा हो गया ई रेस टू नाइन यू इंटू यू. बोल इंटीग्रेशन किसके साथ कर रहे यू के साथ. व्हाट इज कॉन्स्टेंट टी ई रेस टू माइनस टी को बोला बाहर आ जा. दिस इज यू इंटू ई रेस टू नाइन यू डी यू. नाइन यू नहीं ये नाइन और ये नौ और एक दस. ठीक ना देखो इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन का प्रोडक्ट आया यू का डेरिवेटिव वन होता है वन का डेरिवेटिव जीरो होता है. जब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है तो हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म के पीरियोडिक फंक्शन में देखा था हम लगाएंगे जनरलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट. यदि जनरलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसने लैपलास का पीरियोडिक फंक्शन का लेक्चर देखना. नाउ दिस इज ई रेस टू माइनस टी पहला एज इट इज दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन प्लस पहले का डेरिवेटिव इट इज जीरो टू टी. हमने इंटीग्रेशन किसके साथ किया रे हमने इंटीग्रेशन यू के साथ किया तो ये लिमिट किसके लिए पुट करेंगे यू के लिए पुट करेंगे. अपर लिमिट इज टी टी बाई टेन ई रेस टू टेन टी माइनस ई रेस टू टेन टी अपॉन हंड्रेड माइनस लोअर लिमिट इज जीरो यू इज मल्टीप्लाइड जीरो इंटू समथिंग इज जीरो एंड नाउ ई रेस टू जीरो इज वन. सो इसका फाइनल आंसर आ गया ई रेस टू माइनस टी टी अपॉन टेन ई रेस टू टेन टी माइनस ई रेस टू टेन टी. अरे ये हंड्रेड बार बार क्यों आ रहा है टेन टी अपॉन हंड्रेड प्लस वन बाय हंड्रेड. चाहे तो इसमें ई रेस टू टेन टी अपॉन टेन कॉमन ले सकते हैं नहीं लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर कन्वोल्यूशन थ्योरम. बोलो दो स्टैंडर्ड फंक्शन का प्रोडक्ट होना चाहिए एक को टी माइनस यू लेना एक को यू लेना. कुछ डाउट बिल्कुल नहीं. नाउ क्वेश्चन नंबर टू के तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर टू यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम इवैल्यूएट एल इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. नाउ यहां दो फंक्शन है क्या रे यस ये स्क्वायर है स्क्वायर ए का मतलब एक फंक्शन हो गया
वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरा फंक्शन हो गया वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये दोनों का प्रोडक्ट किया तो क्या होता है स्क्वायर। नाउ सॉल्यूशन, गिवन दैट व्हाट इज एफ वन ऑफ एस, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, व्हाट इज एफ वन ऑफ टी, वन बाई ए साइन ए टी, वन अपॉन बोले तो साइन में आता, अपने को क्या चाहिए रे एफ वन ऑफ टी माइनस यू, वन अपॉन ये ए इंटू टी माइनस यू, इसका प्रोडक्ट कर लिया साइन ए टी माइनस ए, दिस इज एफ वन ऑफ टी माइनस यू। बोलो व्हाट इज एफ टू ऑफ यस, द सेम फंक्शन, व्हाट इज एफ टू ऑफ टी, फंक्शन में कोई चेंज नहीं, एक का नाम t माइनस यू लिया तो दूसरे को बोलेंगे हम u। नाउ बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, नाउ इट इज बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, बोलो व्हाट इज कन्वोल्यूशन थ्योरम रे, f1 ऑफ s इंटू f2 ऑफ s इज 0 to t, f1 of t minus u, f2 of u, du। Now, अब क्या करते रहे, अब क्या करते रहे, ये f1 and f2 के values substitute करा देते, so L inverse 1 upon a square plus a square का whole square, integration 0 to t, बोलो चेक करो वन एफ वन टी माइनस यू क्या है, चेक करो रे वन बाई ए साइन ऑफ ए टी माइनस ए यू इंटू वन बाई ए साइन ऑफ ए यू डी। अब यहां किसका प्रोडक्ट आया रे, साइन साइन का प्रोडक्ट आया, जब साइन साइन का प्रोडक्ट आया तो क्या करते रे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टू करते, सो इट इज टू ए स्क्वायर जीरो टू टू साइन ऑफ ए टी माइनस ए यू साइन ऑफ ए यू डी यू। बोलो बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे रे, टू साइन ए साइन बी इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, सो वन अपॉन टू ए स्क्वायर cos a माइनस b, दिस इज ए टी माइनस टू ए यू माइनस cos a प्लस b, सो इट इज sin ऑफ ए टी। ये प्रॉब्लम बहुत बार एग्जाम में आता है, उसका कारण मैं बता देता हूं। जब इसका एडिशन किया माइनस ए यू प्लस ए यू चला गया, ये आ गया एटी, नो डाउट साइन एटी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एटी अपॉन ए होता है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड टी इज द वेरिएबल। नाउ ये प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन किसके साथ कर रहे, यू के साथ कर रहे, किसके साथ कर रहे हम इंटीग्रेशन, यू के साथ कर रहे, जब यू के साथ इंटीग्रेशन कर रहे तो टी क्या होगा कांस्टेंट होगा, और जब कांस्टेंट होता है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं लिया जाता है, सो इट इज वन बाई टू ए स्क्वायर कॉस का इंटीग्रेशन बाबू साइन माइनस साइन ऑफ ए टी इंटू डी यू आएगा, डी यू का इंटीग्रेशन होगा यू। चाहे तो और एक बार चेक करा लेना, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वन बाई ए साइन ए टी, ये एफ वन ऑफ टी माइनस यू एफ टू ऑफ टी
ए स्क्वायर आ गया। सो फॉर्मूला था टू साइन ए साइन बी, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टू किया, फॉर्मूला लगाया, इसका जब सब्सट्रैक्शन करते तो माइनस टू ए यू आएगा, ये दोनों का जब एडिशन करते तो ए टी आएगा, साइन ए टी का इंटीग्रेशन नो डाउट माइनस कॉस ए टी अपॉन ए ही होता है, लेकिन उसमें टी वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ टी क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन हम यू के साथ कर रहे हैं। सो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस को हम बाहर ले लेंगे, ये दोनों माइनस को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। सो ये क्या बनेगा, माइनस वन अपॉन फोर ए स्क्वायर यू इंटू साइन ऑफ ए टी प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन अपॉन टू ए यू, लिमिट इज जीरो टू टी। ये साइन कैसे हो गया, अरे ये तो कॉस आएगा ना, ये कॉस आएगा, कॉस क्योंकि कॉस ए प्लस बी होगा, क्या होगा, कॉस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन ये आ गया साइन, तो ये हो गया कॉस। अब क्या करेंगे रे, माइनस वन बाय फोर ए स्क्वायर, अपर लिमिट क्या है रे, टी टी इंटू कॉस इज टी कॉस ऑफ ए टी। नाउ देखो ए टी माइनस टू ए टी, क्योंकि हमने टी क्यू का वैल्यू किसके साथ पुट करना है, टी के साथ, टी माइनस टू ए टी माइनस ए टी अपॉन टू ए, ये हो गया अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है रे, जीरो, और किसके प्लेस पे पुट करना है, इट इज इन द प्लेस ऑफ यू, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, ये माइनस टू ए यू है जीरो, तो ये आएगा साइन ऑफ ए टी अपॉन टू ए। देखो दिस इज माइनस वन बाय फोर ए स्क्वायर टी कॉस ए टी, व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस इंटू माइनस 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 साइन ए टी माइनस साइन ए टी, इट इज माइनस टू साइन ए टी, टू टू चला गया तो बाबू ये बच गया माइनस वन बाय फोर ए स्क्वायर टी कॉस ऑफ ए टी माइनस साइन ए टी अपॉन ए, क्योंकि एक और एक दो दो कट गए, ये माइनस को अंदर ले लेंगे, सो वन अपॉन फोर ए स्क्वायर साइन ऑफ ए टी अपॉन ए माइनस टी कॉस ए टी। सो व्हाट इज कन्वोल्यूशन थ्योरम, कन्वोल्यूशन थ्योरम इज फॉर टू स्टैंडर्ड फंक्शन, कितने स्टैंडर्ड फंक्शन होने चाहिए रे, टू स्टैंडर्ड फंक्शंस होने चाहिए, एक का नाम एफ वन ऑफ टी माइनस यू, दूसरे का नाम यू, और हम इंटीग्रेशन करेंगे यू के साथ, तो टी क्या होगा, कॉन्स्टेंट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम इवैल्यूएट एल इनवर्स वन बाय एस स्क्वायर वन अपॉन एस माइनस टू, ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी सॉल्व किया जाता है, लेकिन हमें बोला गया कहां से सॉल्व करना, कन्वोल्यूशन से सॉल्व करना। बोलो एक का नाम क्या होना रे, एक का नाम होना एफ वन ऑफ एस, सो
एस स्क्वायर का फंक्शन क्या होता है? टी. 1 बाय एस स्क्वायर इज द लैपलास ऑफ टी. नाउ व्हाट इज एफ वन ऑफ टी माइनस यू? इट इज टी माइनस यू. व्हाट इज एफ टू ऑफ एस? 1 अपॉन एस माइनस टू. एस में माइनस, ई में प्लस, ई रेस टू टू. नाउ बोलो, एक आ गया टी माइनस यू, एक आ गया यू. सो बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय एल इनवर्स कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट एवरी प्रॉब्लम में लिखना, ताकि कंफ्यूजन कम से कम होगा. देखो एल इनवर्स 1 बाय एस स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू टी टी माइनस यू ई रेस टू टू यू डी. टी माइनस यू का डेरिवेटिव माइनस वन, माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो, और जब पहले का डेरिवेटिव जीरो होता है तो हम क्या करते हैं रे, जनरलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते. बोल, हमने इंटीग्रेशन किसके साथ किया रे? इंटीग्रेशन किया u के साथ, तो लिमिट काई के लिए पुट करेंगे, u के लिए. सो देखो अपर लिमिट इज थी टी माइनस टी जीरो, अपर लिमिट इज थी माइनस माइनस प्लस ई रेस टू टू टी अपॉन फोर, माइनस लोअर लिमिट इज जीरो टी माइनस जीरो. सो ये आया टी बाई टू, ई रेस टू जीरो इज वन माइनस माइनस इज प्लस. सो ये आया ई रेस टू टू टी बाय फोर माइनस टी बाई टू माइनस वन बाय फोर. सो बोलो व्हाट इज कन्वोल्यूशन थ्योरम? कन्वोल्यूशन थ्योरम इज, बोलो कन्वोल्यूशन थ्योरम इज, बोलो कन्वोल्यूशन थ्योरम इज प्रोडक्ट ऑफ टू स्टैंडर्ड फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू स्टैंडर्ड फंक्शन. एक का नाम एफ वन, एक का नाम एफ टू. एक को टी माइनस यू में लेना, एक को यू में लेना. किसी को भी टी माइनस यू ले सकते, किसी को भी यू ले सकते, कोई फर्क नहीं. लेकिन जहां आपको एक्सपोनेंशियल दिखाई दे तो एक्सपोनेंशियल में टी माइनस यू लेना, क्योंकि बोलो क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए आसान होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम इवैल्यूएट इवैल्यूएट 1 अपॉन एस प्लस 3 इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4. सो यहां बाबू क्या करेंगे, एक का नाम एफ वन लेंगे, एक का नाम एफ टू लेंगे. नाउ लेट एफ वन ऑफ एस इज 1 अपॉन एस प्लस 3, एस में प्लस, अरे एस में प्लस ई में माइनस. जब एक्सपोनेंशियल दिखाई दिया तो क्या करना रे, टी के जगह पर टी माइनस यू पुट करना, एंड दोनों को अलग अलग कर दिया, ये आ गया. बोलो व्हाट इज एफ टू ऑफ एस? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर. एफ टू ऑफ टी बन गया कॉस ऑफ टू टी. एफ टू ऑफ यू आ गया कॉस ऑफ टू.
সেই টাকাইছে। নাও বাই কনভলিউশন থিওরেম, বাই কনভলিউশন থিওরেম এল ইনভার্স এফ ওয়ান অফ এস ইন্টু এফ টু অফ এস ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন জিরো টু টি এফ ওয়ান অফ টি মাইনাস ই এফ টু অফ ইউ ডি ইউ। সো হা ঝালা কনভলিউশন থিওরেমচা ফর্মুলা। নাও আপ ক্যা করতে রে ভ্যালুজ কো সাবস্টিটিউট করা দেতে। নাও দেখো ক্যা থা প্রবলেম, ওয়ান অপন এস প্লাস থ্রি এস অপন এস স্কোয়ার প্লাস ফোর ইন্টিগ্রেশন জিরো টু এস মে প্লাস ই মে মাইনাস ই রেস টু মাইনাস থ্রি টি ই রেস টু থ্রি ইউ আর ইয়ে বন গয়া কস অফ টু ইউ ডি ইউ। হম ইন্টিগ্রেশন কিসকে সাথ কর রে ইউ কে সাথ কর রে হোয়াট ইজ কনস্ট্যান্ট টি ইজ কনস্ট্যান্ট তো টি কো বোলা আজা হমনে টি কো ক্যা বোলা আজা আজা বলে তো বাহার আজা ই রেস টু থ্রি ইউ কস অফ টু ইউ ডি ইউ। আপকো ফর্মুলা মালুম হ্যাঁ ই রেস টু এ এক্স কস অফ বি এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু ই রেস টু এ এক্স অপন এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইন্টু এ কস বি এক্স প্লাস বি সাইন বি এক্স। সো ইয়ে ফর্মুলা দিখ রা হ্যা ক্যা ইয়ে ফর্মুলা পুরা দিখ রা হ্যা বরাবর। সো ই রেস টু এ এক্স কস বি এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু ই রেস টু এ এক্স অপন এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এ কস বি এক্স প্লাস বি সাইন বি এক্স। কম্পেয়ারিং কিয়া এ কা ভ্যালু তিন বি কা ভ্যালু দো আয়া ই রেস টু মাইনাস থ্রি টি e raised to 3u upon 9 plus 4 this is 3 into cos 2u plus 2 into sin 2u limit is 0 to t integration kiya kiske sath u ke sath to limit kai ke liye put karenge t ke liye 9 4 13 e raised to minus 3t upon 13 dekho ই রেস টু থ্রি টি থ্রি কস টু টি প্লাস টুয়াইস সাইন টু টি মাইনাস লোয়ার লিমিট ইজ জিরো ই রেস টু জিরো ইজ ওয়ান সাইন জিরো ইজ জিরো কস জিরো ইজ ওয়ান সো ইয়ে আয়া মাইনাস থ্রি। সো আজ হমনে ক্যা পড়া রে আজ হমনে পড়া কনভলিউশন থিওরেম। সো বলো what is the first condition for convolution? convolution bole to do standard function ka product hona chahiye ek ka naam t minus u lena ek ka naam u lena integration u ke sath karna integration u karte hue t constant hota hai theek hai।